Bismillah Rahman Rahim, Janab Honorable Prime Minister Saab, Chief Minister Saab, Honorable Chief Minister Saab, Minister Climate Change, Moses, guest Hamare Jitne bhi aaye hue hain, Pyare Dosto, Sathiyo, Bhaiyo, Assalamu Alaikum. Janab Prime Minister Saab, main badi mukhtasar si baat karunga ke aaj aap jab helicopter pe aa rahe the तो आपने यकीनन देखा होगा कि कुंदियां जंगलात के क्या हालात हो गए हैं जनाब. ये पाकिस्तान बनने से पहले का जंगल था, ये पाकिस्तान बनने से पहले का जंगल था, लेकिन तकरीबन 19,500 एकड़ पर. लेकिन आज इसकी हालत देखें कि पिछले 20 साल से जो हुकूमतें, बल्कि मैं कहूंगा जो नाअहल हुकूमतें आईं, उन्होंने दरख्त काटे सही, दरख्त लगाए नहीं. जनाब ये आपका वो विजन है, मुझे अच्छी तरह याद है, इन दोस्तों को भी याद होगा, जब आप इलेक्शन से पहले मियां वाली तशरीफ लाए थे तो आपने कुंदियां और छांगा मांगा का जिक्र किया था और आपने कहा था कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद मैं दोबारा कुंदियां आऊंगा. आज प्राइम मिनिस्टर साहब आपने अपना वो वादा पूरा कर दिया. आज आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत से नहीं, बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से तशरीफ ले आए हैं. जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, इस मौके पे हमारे एक मरहूम वजीर जंगलात होते थे, वो मियां वाली के थे, हाजी इकरामुल्ला खान पाई खैल, वो यहां तशरीफ लाए थे. उसके बाद जब आपने मेरे पे मेहरबानी की और मुझे फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया, मैं यहाँ हाजिर हुआ. और सबसे बढ़ के मेरा ख्याल है जब से कुंदियाँ जंगल मारेज़े वजूद में आया है, सिंस 1946-45, आज भाइयों ये पहला मौका है कि हमारे वजीर आजम पाकिस्तान आज कुंदियाँ में आए हैं और वो उनसे दरख्तों की मोहब्बत जाहिर करता है कि हम सारों ने दरख्त लगाने हैं और हमने अपने वजीर आजम का मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के विजन को पाए तकमील तक पहुंचाने. क्या आप ये वजीर आजम साहब के कंधे के साथ कंधा मिलाकर दरख्त लगाएंगे? जो लगाएंगे हाथ खड़े करें. इसके साथ वजीर आजम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारे कप्तान, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे वाइस कप्तान जनाब उस्मान बुज़दार साहब जो कि वजीर आला पंजाब हैं, उनकी मैं खिदमत में गोश गुजार करूंगा कि बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब आज तहसील पिपला के लिए, जिसमें थाना पिपला है, थाना हरनौली है, थाना कुंदियां है, एक स्पेशल पैकेज का ऐलान करें जिसमें हमारी तहसील पिपला की महरूमियां दूर हो. आगे मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब से तीन से चार मिनट लूंगा कि जनाब मई, इंशाल्लाह इस साल मई तक महकमा जंगलात जो है वो 1,25,00,000 पौधा लगाएगा इंशाल्लाह. इसके बाद इस वक्त हमारी जो नर्सरीज हैं, हुकूमत पंजाब की जो नर्सरीज हैं जिनकी हमने खुद मौके पे जाके इंस्पेक्शंस की हैं, तकरीबन 5,19,00,000 पौधा उन नर्सरीज में बिल्कुल तैयार पड़े जो हमने इंशाल्लाह आगे लगाना है. इसके बाद वजीर आजम साहब 26,30,000 पौधा इस वक्त तक लग चुका है. आज के दिन में जब वजीर आजम साहब ने पौधा लगाया है, मैं बड़ा क्लियरली बबांगे दोहल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि इंशाल्लाह पूरे पंजाब में 3,57,000 पौधा, तकरीबन 3,350,000 पौधा आज इंशाल्लाह एक दिन में पूरे पंजाब में लगेगा.
कमिश्नर हजरत की सुपरविजन के नीचे, डिप्टी कमिश्नर हजरत की सुपरविजन के लिए नीचे, और वजीर आजम साहब, ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक साल में, एक दिन में 3.5 लाख पौधा आपके इंशाल्लाह फॉरेस्ट में लगा रहे हैं। इसके बाद आखिर में कि जनाब तकरीबन 4000 फार्मर्स को हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पे पौधे दे रहे हैं, और सिर्फ 2 रुपए का पौधा, सिर्फ 2 रुपए का पौधा, और साथ फ्री हैंड पंप्स दे रहे हैं जिसमें 70-30 की कंट्रीब्यूशन होगी। इसके बाद वजीर आजम साहब, हमारे कमिटमेंट्स थी इलेक्शंस में, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हमने जंग करनी है। जनाब वजीर आजम, आपके उस विजन के मुताबिक एक साल में तकरीबन 1.5 लाख नौकरी सिर्फ महकमा जंगलात देगा। आने वाले दिनों का अगर इसको कंबाइंड करें तो सिर्फ 5 लाख नौकरी इंशाल्लाह महकमा जंगलात देगा। और जनाब वो 5 लाख नौकरी इसलिए देंगे कि जब आपके हुक्म के मुताबिक, आपके इनिशिएटिव के मुताबिक, आपके माइंड के मुताबिक जब इतनी बड़ी मैसिव प्लांटेशन होगी, तो उस प्लांटेशन को संभालने के लिए भी ये हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जान नहीं निकालती कि आगे। और मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाता हुआ अपने महकमे को भी कहूँगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि अब आपके आराम के दिन ख़त्म हो गए, अब आपने सुस्ती नहीं करनी। जो हमने पौधा लगाना है इंशाल्लाह उस पौधे की रखवाली करनी है, उसको पहले 3-4 साल परवान चढ़ाना है, और अल्लाह के हुक्म से इस तरह परवान चढ़ाना है कि आज जो ये कुंदिया में टिब्बे नज़र आ रहे हैं, वीरानगी नज़र आ रही है, जब वजीर आजम साहब 3 साल बाद या 2 साल बाद जब भी मेहरबानी करें यहाँ तशरीफ लाएँ, तो इंशाल्लाह उनको ये काम नजर नहीं आना चाहिए बल्कि हर तरफ सब्जा नजर आना चाहिए। आखिर में वजीर आजम साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं, और मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम एक मैसिव कंपेन, फिर हम रूल्स में तब्दीली कर रहे हैं, रूल्स इतने सख्त बना रहे हैं, अनकरीब समरी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास फॉर फाइनल अप्रूवल आ जाएगी कि अगर कोई 1 लाख की लकड़ी चोरी करेगा तो 5 लाख उस पर जुर्माना होगा, ताकि हमने उनको डिस्करेज करना है, हमने उनको डिस्करेज करना है कि लकड़ी चोरी ना करें। आखिर पे जनाबे वाला, हम एक मैसिव कंपेन शुरू कर रहे हैं जो लाहौर से शुरू करेंगे, 9 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ इंशाल्लाह कंपेन करेंगे, 2-2, 3-3 किलोमीटर की वॉक्स करेंगे, इश्तहारबाजी करेंगे, और हमने सिविल सोसाइटी को एंगेज करना है साथ, हमने सेलिब्रिटीज़ को एंगेज करना है, हमने न्यूज़ चैनल को एंगेज करना है, हमने मल्टी नेशनल कंपनीज़ को एंगेज करना है, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा खर्च नहीं होने देना, बल्कि उनके कोलैबोरेशन के साथ हमने प्लांटेशन करनी है। और इंशाल्लाह आपने और हमने मिल के वजीर आजम साहब का ख्वाब पूरा करना है, इंशाल्लाह सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है। अगर मेरे साथ इत्तफाक है तो आप खड़े हो जाएं, खड़े होके वजीर आजम साहब को यकीन दहानी कराएं।